हेलो गाइस, वेलकम बैक। होप आप लोग सब मजा में होगा। आज अपने लोग एकदम छोटा सा वीडियो, 18 से 20 मिनट का वीडियो है, हार्ड जर्नल एंट्री बोल के। बहुत सारे बच्चों का डाउट आया, भैया चेक डिसऑनर होता है तो एंट्री क्या होता है, भैया प्रीपेड रेंट करते हैं तो एंट्री क्या होता है, भैया आउटस्टैंडिंग करते हैं तो क्या होता है, भैया डिप्रिसिएशन क्या होता है, भैया बैड डेट क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया कोई भी आदमी सामान प्रॉफिट पे बेचता है, किस वजह से दोस्तों प्रॉफिट पे उसका एंट्री क्या होता है। तो लास्ट तक आपको वीडियो देखना है, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। बिना रिवीजन बिना कुछ किए सबसे पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन। हरि नाम का स्टूडेंट है मेरा। हरि क्या बोला मालूम दोस्तों? हरि फ्रॉम होम, ₹2000, वेयर डू यू बिकेम इंसॉल्वेंट। भैया हम लोगों ने लाइव क्लास में पढ़ा एकदम अच्छे से, अगर एक स्टूडेंट इंसॉल्वेंट हो गया भैया उससे आप कुछ रिकवर नहीं कर सकते हो। अगर एक कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गया उसे हम कहते हैं बैड डेट। क्या कहते हैं बोलो दोस्तों? बैड डेट। वापस बोलो बैड डेट, वापस बोलो बैड डेट। दोस्तों हरि नाम का एक स्टूडेंट जिससे हम 2000 रुपए पाते थे क्योंकि हम उधारी में सामान बेचे थे, वो हो गया इंसॉल्वेंट। क्या हो गया बोलो? इंसॉल्वेंट। वापस बोलो इंसॉल्वेंट। जर्नल एंट्री दोस्तों, बैड डेट अकाउंट डेबिट। अगर कोई हमारा नया व्यूअर है, बैड डेट नॉमिनल, नॉमिनल डेबिट, डेबिट ऑल लॉसेस, ऑल लॉसेस डेबिट, ऑल लॉसेस डेबिट। जर्नल एंट्री बैड डेट अकाउंट डेबिट। क्या बात बोलो दोस्तों? बैड डेट अकाउंट डेबिट। टू, किसने दिया धोखा? भैया डेटर ने दिया धोखा। डेटर को हम क्या कहते हैं बेटा? कस्टमर। क्या कहते हैं? वापस बोल कस्टमर। जर्नल एंट्री बैड डेट अकाउंट डेबिट टू हरि। बैड डेट कौन सा अकाउंट है भैया? नॉमिनल। हरि कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। बैड डेट क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि मेरा क्या हुआ? लॉस। क्या हुआ? लॉस। क्या हुआ? लॉस। हरि क्यों क्रेडिट हुआ? क्योंकि जो स्टूडेंट पैसा देने वाला था अब वो पैसा नहीं देगा, मेरा एसेट्स घट गया, मेरा एसेट्स घट गया, मेरा एसेट्स घट गया। और दोस्तों क्लियर हुआ हैशटैग नंबर वन। अगर कोई आदमी हमको इंसॉल्वेंट बोले कि हम इंसॉल्वेंट है तो क्या करेंगे एंट्री? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। वापस बोलो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। वापस बोलो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। भैया एकदम आगे नंबर टू, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं इसमें, मैक्सिमम बच्चे क्या? मिस्टर राम सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर। मिस्टर राम सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर। देखो दोस्तों वीडियो में क्लैरिटी है कि नहीं, ठीक है भैया। मिस्टर राम सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर ₹2000। अगर इतना तुमको पूछे जर्नल एंट्री बोल, बच्चा को जवाब देना पड़ेगा भैया नो एंट्री। क्योंकि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, या मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, या कंजर्वेटिज्म प्रूडेंस क्या बोलता है, एंट्री हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, एंट्री हमेशा बिजनेस के ट्रांजेक्शन का होता है। अगर तुम घर का सामान बेचे बिजनेस में कोई एंट्री नहीं होगा, अगर तुम घर का सामान बेचे बिजनेस में कोई एंट्री नहीं होगा, अगर तुम घर का सामान बेचे दोस्तों तो बिजनेस का कोई एंट्री नहीं होगा। पर रुक जा। अगर टीचर बोले फुल स्टॉप के बाद, सेम इज इन्वेस्टेड इन बिजनेस। क्या बोल रहे हो दोस्तों? सेम इज इन्वेस्टेड इन बिजनेस, मतलब मेरा घर का सामान बेच के जो रुपया मेरे पास आया उससे हम बिजनेस स्टार्ट किया, उससे हम क्या स्टार्ट किया बोलो? बिजनेस। क्या बोला बोलो? बिजनेस। होता है ना कुछ लोग अपने घर का कोई ज्वेलरी हो, घर का कोई प्रॉपर्टी हो, घर का कोई कागजात हो,
किसी साहूकार के पास गिरवी रखते हैं और गिरवी रखने के बाद वहां से कुछ रुपया लाके बिजनेस शुरू करते हैं, हाँ या ना? तो दोस्तों मिस्टर डन सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर रुपीज 2000 ब्लैक पेन से जो लिखा है इसका जर्नल एंट्री नहीं होगा, क्योंकि तुम घर का कोई भी सामान बेचो वो बिजनेस के बुक में नहीं होगा। घर का तुम कोई भी सामान बेचो वो बिजनेस के बुक में नहीं होगा। पर दोस्तों सेम इज इन्वेस्टेड इन बिजनेस, क्या बोलो? सेम इज इन्वेस्टेड इन बिजनेस, वापस बोलो, सेम इज इन्वेस्टेड इन बिजनेस। जर्नल एंट्री, ये मिस्टर राम है, घर का फर्नीचर बेचा, जो रुपया आया उस रुपया को कहां लगाया? अपने बिजनेस में। कहां लगाया? बोलो अपने बिजनेस में, वापस बोलो अपने बिजनेस में। और अपने बिजनेस में रुपया लगाएगा तो जर्नल एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस से पैसा आ रहा है, क्योंकि बिजनेस से पैसा आ रहा है, क्योंकि बिजनेस से पैसा आ रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, भैया एकदम क्लियर। मतलब घर का फर्नीचर बेचा उसकी एंट्री नहीं होगी, घर का फर्नीचर बेचा उसकी एंट्री नहीं होगी, पर वही फर्नीचर बेच के जो रुपया बिजनेस में लगाया, वही फर्नीचर बेच के जो रुपया बिजनेस में लगाया उसका एंट्री होगा। जैसे कि बिजनेस स्टार्ट किया, जर्नल एंट्री क्या होता है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश दादा कौन सा नेचर का है? रियल अकाउंट। कैपिटल कौन सा नेचर का है? पर्सनल। दादा कैपिटल क्यों पर्सनल है? क्योंकि ओनर के बुक में ओनर का नाम नहीं आता। कौन कहता है ये बात? सेपरेट लीगल एंटिटी। कौन कहता? बोलो दोस्तों, सेपरेट लीगल एंटिटी, वापस बोलो, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है। भैया एकदम क्लियर। दूसरा एग्जांपल भी लिख लिख के हर जगह कॉपी करते रहो। हैशटैग नंबर 3, वेरी 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 इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। मिस्टर कृष्णा पेड रेंट, मिस्टर कृष्णा ने रेंट पे किया। बच्चा बोलता कौन सा बड़ा की मार दिया? भैया जर्नल एंट्री हमको पता है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या बोलो बेटा? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, वापस बोलो बेटा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। पेड का आता तो ठीक है। फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 टू 30 जून 2021, थोड़ा गंदा हो गया, रुक जाए एक बार। 30 जून, एक सेकेंड, अरे यार 30 जून 2021, पास एडजस्टमेंट एंट्री। तुमसे पेड एंट्री नहीं मांगा, क्या मांगा दोस्तों? एडजस्टमेंट एंट्री, वापस बोलो एडजस्टमेंट एंट्री। ध्यान से देख, एक बात तेरे को सिखा देता पहले तो, अगर तुम नए हो अभी भी अगर अकाउंट्स में, जनरली अकाउंट्स 12 महीना का होता है। कौन कहता है भैया ये बात? पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। कौन कहता? बोलो दोस्तों, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, वापस बोलो दोस्तों, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। जो बोलता है अकाउंट्स सालाना बनता है, मतलब बोले तो 12 मंथ्स, खर्चा भी 12 मंथ्स का होना चाहिए। भैया बिल्कुल, आपने थ्योरी क्लास में बताया, जिस साल का खर्चा होता है उसी साल लिखते हैं, जब खर्चा करे उस साल नहीं लिखते हैं, जब बेनिफिट लेते तब लिखते हैं। इसको बोलते हैं एक्रुअल बेसिस। कौन बेसिस? बोलो एक्रुअल बेसिस, जब बेनिफिट तब खर्चा, जब बेनिफिट तब खर्चा, जिसको बोलते हैं अकाउंट्स के भाषा में एज एंड व्हेन सर्विस रेंडर। जब तुम सर्विस दिए, जब तुम सर्विस दिए, जब तुम सर्विस दिए। अब मिस्टर कृष्णा ने रेंट पे किया 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक। अपने आत्मा से पूछ 1 अप्रैल से 30 जून कितना था? राहुल SMI बेटा ये 2020 है और ये 2021 है, तो सोच के बोलना। अप्रैल टू जून 3 महीना मत बोलना, अप्रैल टू मार्च 12 महीना, अप्रैल में जून 3 महीना, मतलब रेंट कितना महीना का कर दिया भैया? 15 महीना। कितना महीने का? 15 महीने। और ये ले 1000 रुपया पर मंथ। अगर हम रेंट पे करते तो जर्नल एंट्री क्या होता बेटा? भैया रेंट पे करते तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वापस बोलो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। रेंट क्यों डेबिट हुआ? रेंट नॉमिनल, नॉमिनल एक्सपेंस, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट,
रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 1000 रुपया पर मंथ दिया 15 महीने का, तो कितना दे दिया बेटा? भैया रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 15000 रुपया रेंट पे किया। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 15000 रुपया रेंट पे किया। पर तुमसे मांगा क्या है? एडजस्टमेंट एंट्री। साल में महीना कितना होता है? भैया 12। पर आपने खर्चा कितना महीना का कर दिया? भैया 15। इसका मतलब आपका खर्चा क्या हो गया? भैया खर्चा डेबिट हो गया। अब कोई चीज अगर डेबिट ज्यादा हो गया उसको कम करना, खर्चे को कम करना है, उसको क्या कर देंगे? उल्टा। क्या कर देंगे बोलो दोस्तों? उल्टा। वापस बोलो उल्टा। तो यही रेंट वापस डेबिट का क्या हो जाएगा? द आंसर इज भैया क्रेडिट हो जाएगा। यही रेंट जो डेबिट था क्या हो जाएगा? क्रेडिट। क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और ऊपर क्या आ जाएगा? एसेट्स। अगर हम किसी को एडवांस पे करते हैं, इट इज आवर एसेट्स। भैया आज बेनिफिट नहीं मिला पर फ्यूचर में तो बेनिफिट मिलेगा। आज बेनिफिट नहीं मिला पर फ्यूचर में तो बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों जब रेंट पे करते तो जाने क्या होता है? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। खर्चा कितने महीने का? 12 महीने का। पर आपने कितना महीना कर दिया? 15 महीने का। मतलब आपका खर्चा क्या है? डेबिट ज्यादा हुआ हुआ है। अब खर्चा अगर डेबिट ज्यादा हुआ हुआ है उस खर्चे को करना है कम, उस खर्चे को करना है कम। कम करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। और ऊपर क्या आ जाएगा? भैया एक महीना से पढ़ रहे हैं, प्री पेड रेंट अकाउंट डेबिट। वापस बोल, प्री पेड रेंट अकाउंट डेबिट। वापस बोल, प्री पेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। एकदम बढ़िया। तो वापस बैठा, तीन चीज तुम सीखा। बच्चों का बार 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 कॉल आता है, भैया बैड डेट क्या होता है? जब किसी आदमी को उधारी में सामान बेचते हैं, जब किसी आदमी को उधारी में सामान बेचते हैं और वो पैसा देने से इनकार करते हैं, भैया पैसा नहीं है, उसे हम कहते हैं बैड डेट। बैड डेट डेबिट टू डेटर। नंबर टू, हम घर का कोई सामान बेचते हैं उसका एंट्री नहीं होता, पर घर का सामान बेच के अगर वो रुपया बिजनेस में लगते हैं, थिंक अबाउट बिजनेस स्टार्ट किया, जर्नल एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तीसरा लेक्चर वेरी 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 इंपॉर्टेंट दोस्तों। आपको मन ने पूछो साल में कितना महीना होता? भैया 12। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट बोलता है एक साल में 12 महीना का होना चाहिए एंट्री, पर आपने 12 महीना की जगह 15 महीना का कर दिया। क्या है? बार 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 भाड़ा देना पड़ता है। ले मैं पकड़, एक बार में रख ले भाड़ा को। जल्द एंट्री क्या होगा बेटा? पहले तो रेंट पेमेंट का एंट्री, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या बराबर बेटा? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। पर टीचर जब बोले नहीं नहीं नहीं, उस रेंट को एडजस्ट करना है, 15 महीना खर्चा को 12 महीना करना है, तो ये जो डेबिट किया था खर्चा इसको हम उल्टा कर देंगे। क्रेडिट कितना रुपया से बेटा? भैया 3000, क्योंकि 12000 तो इस साल का है, 3000 अगले साल का है, 3000। तो प्रीपेड रेंट 3000। एक बार देख लो दोस्तों, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट। वापस बोलो दोस्तों, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट। भैया एग्जाम क्लियर? अभी तक धनाधन एकदम धनाधन भैया मिटा है बेटा। उसके बाद तेरे को बताते हैं बैड डेट रिकवरी क्या होता है, डिसोल्वमेंट क्या होता है। देखना दोस्तों, बस बस देखना है। ठीक है, देखिए आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 सुनना एकदम अच्छे से। मिस्टर श्याम हु वाज डिक्लेयर्ड इनसॉल्वेंट लास्ट ईयर Now paid ₹1000। पिछले साल एक बंदा कंगाल घोषित हुआ था, बैंकरप्ट, लिक्विडेट। पिछले साल एक आदमी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ था पिछले साल, पर इस साल जब हुआ बोलता भैया हमको सामान दो। हम बोले नहीं भाई नहीं, तो पहले भी पैसा सामान लेके गया, पैसा नहीं दिए थे। बोलते नहीं भैया उस समय स्थिति ठीक नहीं था, पैसा नहीं दे पाए, आज आपको पैसे दे रहा हूं। मतलब लास्ट ईयर जो बैड डेट राइट ऑफ किया नाउ रिकवर्ड, आपके किताब में कुछ ऐसा मिलेगा
लास्ट ईयर, बैड डेट, रिटर्न ऑफ, नाउ रिकवर। ओहो, पिछले साल कोई आदमी रुपया लेके भागा था, आज वो रुपया लाके दे दिया, इट्स ए गेन। जिस आदमी से उम्मीद नहीं था रुपया देगा कभी भी, वो रुपया लाके दे दिया, इट्स ए गेन। अगेन दोस्तों, इट्स ए गेन। अगेन दोस्तों, इट्स ए गेन। जर्नल एंट्री, पैसा आया पहला बार तो बिजनेस में, कैश अकाउंट डेबिट। क्या बोलो, बोलो पैसा आया बिजनेस में, कैश अकाउंट डेबिट। वापस बोलो, पैसा आया बिजनेस में, कैश अकाउंट डेबिट। वापस बोलो, बिजनेस से पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट। भैया एकदम क्लियर। जब पैसा लेके भागा था हम क्या लिखे थे एंट्री, भैया बैड डेट डेबिट टू श्याम। जब पैसा लेके भागा था आप एंट्री किए थे बैड डेट अकाउंट डेबिट टू श्याम। जब पैसा लेके भागा मतलब श्याम का अकाउंट तो ऑलरेडी हम क्रेडिट कर दिए थे, मतलब उसका लेजर बंद कर दिए थे, हाँ या ना। अब जब पैसा आ रहा है, चाहे वो राम से आए, श्याम से आए, कृष्णा से आए, डूबा हुआ पैसा आ गया घर में खुशहाली आया, डूबा हुआ पैसा आ गया दोस्तों घर में खुशहाली आया। यस और नो भैया? बिल्कुल, डूबा हुआ रुपया आ गया इसका मतलब घर में खुशहाली आया। कैश अकाउंट तो डेबिट होगा ही, उसके साथ साथ बैड डेट रिकवरी। क्या बोलो, बोलो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी। लेके भागा था तो बैड डेट डेबिट, क्योंकि वो मेरा लॉस था। आज लेके भागा वो रुपया वापस आ गया, बैड डेट रिकवरी। क्या है मेरा गेन है, क्या है गेन है, क्या है गेन है। जॉइंट कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी, कितना रुपया लेके आया वो भैया? 1000। एकदम भैया केस नंबर 4 भी क्लियर हो गया। पहला एग्जांपल है बैड डेट हुआ था, समझ में आ गया। दूसरा एग्जांपल भैया घर का फर्नीचर बेचा, एंट्री नहीं होगा, पर बिजनेस से पैसा लाया, एंट्री होगा। तीसरा एग्जांपल भी भैया एकदम समझ में आ गया, प्रीपेड रेंट का बात किए। और चौथा एग्जांपल भैया बैड डेट रिकवरी, पिछले साल। अगेन रिपीटिंग दोस्तों, पिछले साल जो रुपया लेके भागा, अगर वो रुपया आ जाए बिजनेस में, पैसा आ रहा कम्स इन डेबिट, गोल्डन रूल कम्स इन डेबिट, किस रूप में आ रहा दोस्तों? बैड डेट रिकवरी, बैड डेट रिकवरी, बैड डेट रिकवरी। तो जनरली कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी, एकदम भैया क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 5 क्लियर हो रहा एकदम, इसीलिए बोले थे आप लोगों को अभी तक 17 क्लास जर्नल एंट्री का दिया जा चुका विद जीएसटी, ठीक है ना। एग्जांपल नंबर 5 आप तो बोले थे हार्ट से हार्ट जर्नल एक टॉपिक में ले आएगा, चिंता मत करो, इसके बाद और एक वीडियो आएगा। हैश नंबर 5, चेक रिसीव फ्रॉम रोहन रुपीज 2000, चेक रिसीव फ्रॉम रोहन रुपीज 2000, डिसऑनर बाय बैंक। स्टोरी सुनाता हूं, बात सुन ले पहले, पहले बात सुन ले। तुमको पहला ना कॉमर्स स्टूडेंट को तो बेसिक चीज पता होना चाहिए कि चेक का सेक्शन क्या है। आप लोगों को पता ही नहीं है, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, चेक का डेफिनेशन कहां लिखा हुआ है? सेक्शन नंबर 6 ऑफ एनआईआर 1881 लिख देता हूं। चेक CHEQUE, चेक बेसिकली 6 डिजिट का होता है। बेसिकली क्या, चेक 6 डिजिट का ही होता है। कहां लिखा है चेक के बारे में? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 सेक्शन नंबर 6, जाके गूगल सर्च करना। वहां पे क्या बोला, चेक से, चेक क्या क्या कारण है जब चेक डिसऑनर हो सकता है? आपका चेक में तारीख नहीं लिखा होगा, सिग्नेचर मिसमैच हो रहा होगा, जो आपने पेमेंट किया वो पागल हो गया होगा, उसका डेथ हो गया होगा, उसने नोटिस दे दिया होगा कि भैया हम हो गए इंसॉल्वेंट, क्या हो गए इंसॉल्वेंट, या आपका चेक स्टेल चेक हो गया होगा। स्टेल चेक बासी चेक, आपको पता होना चाहिए। एक चेक तुमको क्लियर करवाना विद इन 90 डेज, 90 दिन के अंदर दोस्तों, 90 दिन के अंदर। पर तुम क्या इतने आलसी हो, चेक को लेके गए बैंक में 120 दिन के बाद क्लियर करेगा? तो ये कई सारे रीजन है, चेक में आपका सिग्नेचर मैच नहीं होता, अमाउंट इन वर्ड्स अमाउंट इन नंबर मैच नहीं होता, ये सब के कारण आपका चेक बाउंस हो जाता है, जिसको बोलते हैं डिसऑनर, बाउंस हो जाता है, बोले तो डिसऑनर। नॉर्मली बेटा, नॉर्मली
चेक आने से जर्नल एंट्री क्या होता है? अगर रोहन ने मुझको चेक दिया, उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? भैया पैसा आ रहा है, बैंक द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, और रोहन चेक दे रहा है, रोहन इज ए गिवर, जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, क्या नाम है इसका, भैया रोहन, चेक आता तो जर्नल एंट्री क्या होता है? ये बैंक अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट, क्या बोला बोल दोस्त? बैंक अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट, वापस बोल, बैंक अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट, वापस बोल, बैंक अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट। भैया यहां तक एकदम क्लियर। अब बेटा तुमसे ना चेक आने का एंट्री नहीं मांगा है, चेक डिसऑनर का एंट्री मांगा है, चेक आने का एंट्री नहीं मांगा है, चेक डिसऑनर का मांगा है, डिसऑनर, बैंक ने चेक को क्लियर नहीं किया, ये तो वो एंट्री है जो तुम बैंक में चेक भेजे, बैंक में डिपॉजिट किए, बैंक वाला क्लियर कर देता है, बैंक जनरली 36 से लेकर 48 घंटा लेता है चेक क्लियर करने में, सुनियो कि नहीं सुनियो, इट टेक्स 2 डेज तो क्लियर है चेक, बैंक इंस्पेक्ट करता है, पहले देखता है, पर बैंक में जब देखा तो पता चला चेक हो गया डिसऑनर, चेक हो गया डिसऑनर, चेक हो गया डिसऑनर। अब जब चेक आया तो किससे आया? भैया रोहन से, हम रोहन का गला पड़ गए, रोहन भैया तुम्हारा चेक डिसऑनर हो गया, तुम्हारा चेक डिसऑनर हो गया, हमको पैसा चाहिए, मतलब रोहन अगेन मेरा कस्टमर बन गया, डेटर बन गया, मतलब ये जो एंट्री किया था चेक आने का, बैंक अकाउंट डेबिट टू रोहन, क्या बोल, बैंक अकाउंट डेबिट टू रोहन, वापस बोल, बैंक अकाउंट डेबिट टू रोहन, डिसऑनर हुआ एंट्री क्या हो जाएगा? उल्टा। डिसऑनर हुआ एंट्री क्या हो जाएगा? उल्टा। डिसऑनर हुआ एंट्री क्या हो जाएगा? उल्टा। उल्टा क्या होगा? रोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक, एकदम भैया, रोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक वाला आपका चेक को क्लियर नहीं करेगा, इसका मतलब आपका चेक हो गया बाउंस, क्या हो गया आपका चेक बाउंस, तो जब भी बाउंस हो उल्टा एंट्री। तो होप आप लोग को डिसऑनर समझ में आ गया, डिसऑनर आपने क्या करना भैया? उल्टा करना, क्या करना बोलो? उल्टा करना। अब होता है केस नंबर 5607, होता क्या बहुत बार, सपोज करो एक आदमी अपनी वाइफ का ज्वेलरी बेच के बिजनेस शुरू करता है, भैया करता है बिल्कुल, कोई आदमी ऐसा होता है कि अपना घर का फिक्स डिपॉजिट तोड़ के बिजनेस शुरू करता है, भैया बिल्कुल करता है, कभी कभी ऐसा भी होता है एक आदमी अपने सेविंग्स अकाउंट से रुपया निकाल के बिजनेस के बैंक अकाउंट में डालता है, लाइन देखना अच्छे से, अनुष्का इशूड अ चेक, इशूड अ चेक मतलब चेक देना, कहां से? सेविंग्स अकाउंट से, अपना खुद का घर का कुछ पर्सनल सेविंग्स अकाउंट था, उस सेविंग्स अकाउंट से रुपया कहां ट्रांसफर किया? बिजनेस के अकाउंट में, इसका मतलब भैया बिजनेस शुरू हुआ, किस चीज से? कैपिटल से, किस चीज से बोलो दोस्तों? कैपिटल से, मतलब पहला पॉइंट तो बैंक में पैसा आया, जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, फर्म नेम मतलब बिजनेस अकाउंट में पैसा आया, फर्म नेम मतलब बिजनेस अकाउंट में पैसा आया, फर्म नेम मतलब बिजनेस अकाउंट में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, और बिजनेस में पैसा आया, क्या बोला? बिजनेस में पैसा आया, इसका मतलब क्या लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट। तो देख लो तुम अच्छे से लाइन को, कोई आदमी तुमसे पूछे अपने सेविंग्स अकाउंट से रुपया बिजनेस के बैंक अकाउंट में डाले, जर्नल बोलो, पहला बात तो अंकल जी आपके बिजनेस के बैंक में पैसा आया, जल्दी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, और बिजनेस में पैसा आ रहा ओनर के घर से आ रहा, इसका मतलब बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस हुआ, इसे हम कहते हैं कैपिटल, जल्दी दोस्तों बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अगला सवाल ये अग्रसेन एमसीएबी के बच्चे भर भर के पूछे थे, पेड इनकम टैक्स, क्या बोला बोलो? पेड इनकम टैक्स। अब एक बात आपको हम बताए थे, जीएसटी तो आप पढ़ चुके हो, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसको बोलते हैं डिस्टिनेशन टैक्स, जो गुड्स और सर्विस पे लगता है। अब सपोज करें बिजनेस है, अंकित लोहिया क्लासेस, सपोज करें, हालांकि क्लासेस कोई बिजनेस नहीं है, फिर भी हम एग्जाम्पल देते हैं, अंकित लोहिया क्लासेस एक बिजनेस है, और ये अंकित लोहिया है, अंकित लोहिया अपना क्लासेस चला करके कुछ इनकम करता है, कुछ क्या करता है? इनकम,
और उस इनकम पे आपकी ब्याज क्या देना पड़ेगा, टैक्स। आपको जानकारी के लिए बताया था, इनकम टैक्स पे तो बिजनेस करता है, इनकम टैक्स पे तो बिजनेस करता है, पर इनकम टैक्स होता किसका है, ओनर का पर्सनल होता है। वापस इनकम टैक्स जैसा वर्ड टीचर द सेल्स टैक्स वो बिजनेस का है, जीएसटी वो बिजनेस का है, कस्टम ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी सर्विस टैक्स वैट कुछ भी बोले वो सब बिजनेस का है। या बंगाल में बोलते थे पहले एंट्री टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स सीएसटी जब दो स्टेट के बीच में होता था, ठीक है ना, वैट। तो ये सब था बिजनेस का, इनडायरेक्ट टैक्सेस बिजनेस का। पर जब बात करें इनकम टैक्स, इनकम टैक्स ना बिजनेस का नहीं है, इनकम टैक्स ओनर के इनकम का है, इनकम टैक्स ओनर के इनकम का है। पर पेमेंट बहुत बार क्या होता है, ओनर नहीं करके उसका बिजनेस करता है, ओनर की बिहाफ में, ओनर का बिजनेस पे करता है, ओनर के बिहाफ में, ओनर का बिजनेस पे करता है ओनर के बिहाफ में। एक बात तो भैया समझ में आ गई, इनकम टैक्स में क्या लिखोगे आप भैया, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। भैया ड्रॉइंग्स को डेबिट, अरे बिजनेस से ओनर निकाला इसका मतलब ओनर क्या है, रिसीवर। बिजनेस से ओनर निकाला इसका मतलब ओनर क्या है, रिसीवर। चलो भी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, और बिजनेस से पैसा जा रहा है भैया टू कैश अकाउंट जनरल के। तो डोमेस्टिक पर्पस बोले तो भी ड्रॉइंग्स, पर्सनल यूज बोले तो भी ड्रॉइंग्स, बच्चे का स्कूल फीस पेमेंट किए तो भी ड्रॉइंग्स, बच्चे को बाइसाइकिल लाके दिए तो भी ड्रॉइंग्स, वाइफ को ज्वेलरी दिलाए बिजनेस से रुपया निकाल के तो भी ड्रॉइंग्स, इनकम टैक्स पे किए तो भी ड्रॉइंग्स। इनकम टैक्स मतलब ओनर का पर्सनल टैक्स, इनकम टैक्स मतलब ओनर का पर्सनल टैक्स जिसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, जिसका बर्डन ओनर किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकता, जैसे हम लोग जीएसटी का बर्डन शिफ्ट करते हैं। नेक्स्ट, चेक रिटर्न डिसऑनर ड्यू टू टेक्निकल डिफेक्ट। अभी बोले थे अनुष्का एक चेक दी थी 5 तारीख को, 7 तारीख को बैंक क्या कर दिया, डिसऑनर क्या कर दिया। अब डिसऑनर में एंट्री क्या होता है, उल्टा, क्या होता है, उल्टा। चेक आया था बिजनेस में एंट्री क्या था, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। वापस लो दोस्तों, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, वापस लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, वही चेक डिसऑनर हो गया। कौन सा चेक, सेविंग्स अकाउंट का चेक। इसका मतलब बिजनेस में कैपिटल नहीं आया, मतलब बैंक में पैसा नहीं आया, एंट्री क्या हो जाएगा, अपोजिट, कैपिटल डेबिट, बैंक क्रेडिट। जनरल एंट्री दोस्तों, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग चेक डिसऑनर्ड। समझ में आ गया, तब डिसऑनर में एंट्री क्या कहते हैं, अपोजिट। तो आज हम लोग जितना डिस्कस किए किए दोस्तों, होप समझ में आया तुमको, एक प्रॉफिट वाला पार्ट बच गया और एक डेप्रिसिएशन। चिंता मत कीजिए, वेडनेसडे को हम और एक वीडियो लेके आएगा आपके लिए 15 से 20 मिनट का। होप यू एंजॉयड द क्लास, वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक करना मत भूलना, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना कि देख भाई टिपिकल जर्नल 25 मिनट के अंदर पूरा हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा लगा कोई बात नहीं, डाउट हो आप व्हाट्सएप पे मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आप लोगों को कॉन्टेक्ट करो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ, बाय बाय।